अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैंने मीठी टिक्कियों के लिए आटा गूंदा था और दो टिक्कियाँ बना ली थी और रखी थी, क्योंकि हम फ्रेश फ्रेश बनाते हैं, तो बस ये दो बनाई है। ये हमने गरम गरम तो इस वक्त मैं चावल भिगो रही थी, मतलब भिगोई है, बस चिकन भी भिगोई है, वो फ्राई फ्रीज़र में फ्रीज हुआ था, बस उसको भी भिगो लिया। बस मैं बाहर पता नहीं किस चीज़ के लिए गई थी, बेटे को समझाने के लिए कि आओ चीज़ें ले आओ, लेकिन वो कंप्यूटर से बिल्कुल गेम्स बाहर पास ही नहीं आता। बस बाहर फिर देखा मैंने कोई बच्चा मचा हो तो उस पर सौदा लाओ, और यहाँ मेरे कपड़े धोए थे वो अच्छा नहीं, बाहर निकला था सब्ज़ी के लिए, सब्जी वाले के पास कर अच्छा। तो ये मैंने पकौड़ों के लिए बैंगन लिए हैं, धनिया, सब्ज मिर्च, ये चीज़ें मैंने ली है, और मैं तो कह रही हूँ कि अंदर आ जाओ, दरवाज़ा बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, बस अफ्तारी के लिए तैयारी कर रही हूँ। और ये देखो बर्तन, ये सहरी के पड़े हैं, और कुछ रात को हमारे ये मार्बल भी टूट गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा, बस चलो देखते हैं ये रमजान गुजर जाए ना, तो फिर इन घर का कुछ करती हूँ। और यहाँ ये अच्छा मेरी यहाँ पे बहुत पकौड़ों के लिए क्या कहते हैं बैटर बना दिया, और ये आलू और बैंगन के पकौड़े हैं, और अभी इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ। ये मैं स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ, क्योंकि ये ज़रा लंबे लंबे मैंने काटे हैं ना। यहाँ तैयार मिलते हैं, एक बाज़ार है ना पेशावर में, मीना बाज़ार इसको कहते हैं, उसमें जो पकोड़े मिलते हैं वो बिल्कुल इसी की तरह लंबे लंबे होते हैं। क्योंकि मेरा दिल में वो पकोड़े बहुत ज़्यादा याद आए थे, तो बस मैंने कहा दिल भी कर रहा था, मैंने कहा उसकी तरह पकोड़े हो, लेकिन उधर कौन जाता है इस टाइम पे, इतना रश होता है और ऐसे भी कोई जाता भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो इधर मैं बना लूँ। ठीक है, अब इसके साथ में ये बैंगन का भी डालती हूँ। अच्छा, इस डिज़ाइन की वो मतलब आजकल है, लेकिन अंदर से सफ़ेद है और बारी वगैरह नहीं है, वो हल्की है और सफ़ेद है अंदर से, ये अंदर से मतलब नॉन स्टिक की तरह, वो उसके भी तरह नहीं, उसका भी मतलब रंग उतरता है, इसका कुछ भी नहीं होता। ये उस बंदे ने कहा कि ये इम्पोर्टेड है, नहीं इंग्लैंड की, जर्मनी की है, तो मैं इसलिए इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, आप लोग कहेंगे ये क्या तारीफ़ कर रही है, लेकिन हाँ बस है तारीफ़ करने की, क्योंकि आज कल सिर्फ ये एक पेन 7,500-8,000, वो भी आप इसको मतलब थोड़ा सा बहस महस करोगे तो तब देंगे, तो क्या हो गया है। अच्छा, मैं इस पकौड़ों के साथ आपको एक किस्सा भी सुनाती हूँ। उस दिन मैं गई थी शॉपिंग के लिए, मैंने व्लॉग भी डाला था, मैं कुछ बर्तन देख रही थी, वो तो खैर नॉन स्टिक भी थी और ऐसे किचन किंग जो है ना वो वाली कंपनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे। अच्छा, ये वाला पेन जो है ना, ये वाला पेन, ये इतना भारी है ना नॉन स्टिक, ये इतना भारी है कि ये बिल्कुल मैं नहीं उठा सकती, तो ये इतना भारी है कि मैंने फिर यहाँ कारखानों है उधर पता किया, मैंने कहा ये वाले पेन मुझे कितने की मिलेंगे, कढ़ाई और ये कहते ये वाला सिर्फ एक जो है ना, ये मैं तुम्हें 7,500 का दूंगी, मतलब वो कढ़ाई थी, इस तरह की कढ़ाई थी, तो मैंने कहा अच्छा, ये तो तकरीबन मैंने 18 साल पहले 4 जो है ना वो 6,000 भी लिए थे, तो
कसम से अब इसकी मुझे कदर आ गई। ऐसे इंसान भी होते हैं जो वक़्त के साथ बहुत ज़्यादा इंसान उसको नहीं देखते, छोड़ते हैं। जब वक़्त आ जाता है ना, थोड़े से टक्कर खाए ना, तो फिर उस इंसान का भी कदर आ जाता है। तो ये वक़्त बदलते हैं, एक साथ नहीं रहते वक़्त, हर चीज़ें आगे आहिस्ता। पता नहीं क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, पोते पोतियों का क्या होगा, कि इतनी महंगाई हो गई है, इंसान का भी कदर नहीं है और ना मतलब चीज़ों का कदर है। लेकिन जब पैसे जाते हैं तो सब चीज़ों का फिर कदर आ जाता है। ऐसे में इस बर्तन को अब देख रही थी ना, तो मुझे ये ख्याल आया कि हाय, मैंने तो ये बर्तन जो है ना, सिर्फ पकौड़ों के लिए, फ्राई के लिए रखा है, और ये इतना भारी है कसम से कि क्या बताऊँ। ये देखो, ये इतना जोर करती हूँ फिर भी नहीं, मतलब फुल जोर आप करें ना तो फिर इसको उठा सकते हैं। तो माशाल्लाह ये रेडी हो गए हैं, स्पाइसी स्पाइसी और बैंगन और आलू और सबस मिर्च वाले। यहाँ पुलाव के साथ मैंने शामी बनाई है और यहाँ चटनी पुदीने की। अस्सलाम वालेकुम जी, ये नेक्स्ट डे है और आज मैं दम पोख्त बना रही हूँ। तो नीचे मैंने आलू की लेयर्स की है, फिर उसके ऊपर गोश्त का, और फिर उसके ऊपर प्याज काटे हैं, फिर उसके ऊपर टमाटर और सब्ज मिर्च, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च इस पे चढ़ की है, और नमक। बस अब मैं इसको दम पर रखती हूँ। दम पोख तो बन रही है, अब फ्रोजन समोसे और टिकट्स बना रही हूँ। और आज ज़रा तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरी किडनी में बहुत ज़्यादा पेन है, कड़ी भी नहीं हो सकती, लेकिन क्या करूँ, बच्चों के लिए तो तैयार करना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें मांगते हैं। हम बड़े तो सालन के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन बड़े छोटे जो होते हैं वो अलग अलग डिशे मांगते हैं। तो बस अब कर रही हूँ, दुआ करें कि मेरी किडनी ठीक हो जाए। दम पोख